हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो है अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में जो हम लोगों ने द्विघात सूत्र पढ़ा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है, उसका डेरिवेशन जानेंगे। तो इसलिए वीडियो जो है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखें। ठीक है, सबसे पहले जो है मैं आपको यहाँ पे ये दिखा दे रहा हूँ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, द्विघात समीकरण जो होता है, उसका मानक रूप आपका ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जहां पे सबसे नेसेसरी बात क्या है कि ए जो है आपका जीरो नहीं होना चाहिए। जो ए बी सी आपको पता है कि वास्तविक संख्या है, उन वास्तविक संख्याओं में ए जो है आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये ए जीरो हो जाएगा तो ये जो टर्म पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा और आपका द्विघात समीकरण फिर नहीं रह पाएगा। ठीक है, अगली बात क्या है कि जो द्विघात सूत्र जो होता है, जो इसको सॉल्व करने का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, द्विघात सूत्र क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो क्या होता है? तो वो होता है आपका एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपॉन बटा टू ए। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को, यही जो द्विघात सूत्र, हमको प्रूव करना है कि ये आया कैसे, बना कैसे। ठीक है, तो मैं आपको इसको दो विधियों से प्रूव करके दिखाऊंगा। एक जो है आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है और दूसरा मेथड जो है वो जो है थोड़ा सा ज्यादा सिंपल है। तो शुरू करते हैं सबसे सिंपल मेथड से, यानी कि पहले मेथड से। आइए देखते हैं यहाँ पे मेथड वन। तो इस मेथड में क्या, इस मेथड में आपको कुछ नहीं करना, आप इसको बहुत ही इजीली कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपना जो द्विघात सूत्र है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो ये ले लेना है। अब इस द्विघात सूत्र को जो है x के लिए हल करना, मतलब कि हमको इसमें से x का मान निकालना है। और देखिए आराम से आपका ये फॉर्मूला आ जा रहा है। करना क्या है, तो पहला स्टेप जो है आपका वो होगा कि आपको c को राइट साइड भेज देना। तो लेफ्ट साइड क्या बच जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और बराबर में जो प्लस सी है जाकर राइट साइड में माइनस सी हो गया। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, तो दूसरे स्टेप में स्टूडेंट्स आपको करना ये है कि समीकरण में, पूरे समीकरण में फोर ए से गुणा कर देना है। ठीक है, जब इसमें फोर ए से गुणा, तो फोर तो फोर हो जाएगा, ए ए ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स हो जाएगा स्क्वायर प्लस इसे जब गुणा करेगा फोर से तो आपको हो जाएगा फोर ए बी एक्स, और जब इसमें करेगा गुणा फोर से तो माइनस फोर ए सी हो जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान दे रहे क्या 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 है, यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में फोर ए से गुणा कराया गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। हमने यहाँ पे फोर ए से गुणा करा दिया, तो अब दूसरा काम हमको ये करना है कि दोनों समीकरण के दोनों साइड में, दोनों पक्षों में जो बी स्क्वायर जोड़ना है। आपको तो पता है कि समीकरण के दोनों पक्षों में आप एक ही संख्या को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, हम समीकरण के दोनों पक्षों में जो है बी स्क्वायर जोड़ने जा रहे हैं। तो हमने लेफ्ट साइड में अपने बी स्क्वायर जोड़ दिया, राइट साइड में बी स्क्वायर हम यहाँ पे ना जोड़ करके, ठीक है, हम आगे ही जोड़ देंगे बी स्क्वायर माइनस फोर सी को, इसके बाद लिख देंगे। तो देखिए दोनों साइड में हमने बी स्क्वायर क्या किया, जोड़ा। तो तीन काम हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, पहला काम सी को राइट साइड में भेजना, दूसरा काम पूरे इक्वेशन में जो है फोर ए से गुणा करना, और तीसरा काम समीकरण के दोनों पक्षों में बी स्क्वायर जोड़ना। इतना काम कर लेने के बाद जो है अब आपको क्या करना है, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस फोर के बदले में आप टू लिखिए, ए स्क्वायर के बदले में ए लिखिए, और एक्स के बदले, एक्स स्क्वायर के बदले में सिर्फ एक्स लिखिए। तो अब फिर ये कैसे आपका आ पाएगा, जो फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ये कैसे आ पाएगा, आप टोटल कैसे फोर स्क्वायर लिख दीजिए। देखिए करने पर फिर आपका टू का स्क्वायर फोर, एक स्क्वायर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे बीच वाले टर्म को छोड़िए, आज लास्ट में ये जो है आपका बी का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, बराबर के साइड में यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर सी, चलने दीजिए, इधर कुछ नहीं करना, यहीं पे सोचना थोड़ा सा। तो ये आपका मान लीजिए ए है, ये आपका मान लीजिए बी है, बीच में क्या आता है टू ए बी, देखिए रखकर टू ए की जगह पे टू ए एक्स और बी की जगह पे बी। तो इतना अगर आप रखते हैं तो आप पा रहे हैं कि ये जो है इसको हम चाहें तो देख रहे हैं अगर ध्यान से, तो ये लग रहा है कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू बी स्क्वायर है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या हो जाएगा टू ए एक्स दिया है और बी की जगह पे क्या दिया आपको बी ही दिया है, इसी का जो है ये होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पैसे लिख दे रहे हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और हमने लिख भी दिया बराबर। यहाँ पर आपको मिल जा रहा है माइनस बी, सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए। तो ये काम हमारा हो गया। ठीक, अब आपको सिंपली क्या करना है, इस स्क्वायर को रूट में भेज देना। जब इसको भेजिएगा तो देखिए आपको क्या मिलेगा, टू ए एक्स प्लस बी, ये रह गया, स्क्वायर नहीं देना, स्क्वायर जा रहा है राइट साइड, तो जाएगा इधर, तो माइनस हो जाएगा, सॉरी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हो जाएगा। और यहाँ पे सामने क्या लगेगा आपका, प्लस और माइनस दोनों का साइन लग जाएगा। आपको पता है कि जब आप रूट करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों का साइन लगा देना पड़ता है। अगली बार अगली लाइन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो अगली लाइन में देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस प्लस बी को, चूंकि हम एक्स के लिए हल कर रहे हैं तो एक्स को रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है, तो हम बी को भेजेंगे और टू बी को भेज देंगे।
ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे टू ए एक्स को रखते हुए प्लस बी को भेजना उस साइड, तो ये जाकर हो जाएगा माइनस बी, ये प्लस बी जाकर माइनस बी हो गया, और इधर पहले से क्या है आपका, पहले से है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, अब हमको आखिरी बस एक लाइन यहाँ पे अपना पूरा करना है, देखिएगा ध्यान से आप लोग, एक्स का वैल्यू निकालना है तो टू ए को हटाना पड़ेगा इधर लेफ्ट साइड से, राइट साइड टू, तो कर दीजिए यहाँ पे रख लीजिए अपने पास एक्स, और टू ए को भेज दीजिए राइट साइड में, तो आपका जो टू ए चूंकि एक्स मल्टीप्लीकेशन में गुणा में है तो बट्टा मिल जाएगा, तो राइट साइड में आपका यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बट्टा में आपका जाएगा यहाँ पे टू ए, तो आपको आपका द्विघात सूत्र मिल गया। तो देखिए यहाँ पे ये कितना आसान है, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, एक बार से फिर से मैं आपको इसको रिपीट करके दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, अपना द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म जो है मानक रूप जो है उसको यहाँ पे लिखना है, लिख लेना है, और लिख लेने के बाद आपको इसको x के लिए हल करना है, यानी कि x का मान निकालने का कोशिश करना है। तो इसको कैसे किया, सबसे पहला काम c को राइट साइड में ले जाइए, माइनस में हो जाएगा, फिर तीनों टर्म में जो है आप फोर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कुछ इस तरह का आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है आप सब मतलब की समीकरण के सभी मतलब कि दोनों साइड में बी स्क्वायर को एड कर दिए, और उसके बाद देखिए आपका जो है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जैसा आ जा रहा है, तो हम इसको शॉर्टकट में शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, और उसके बाद बी स्क्वायर माइनस फोर से हमारे राइट साइड में चलते आ रहा है, फिर हम स्क्वायर को भेज करके रूट कर दे रहे हैं जो कि प्लस माइनस दोनों में हो जा रहा है, फिर हमने प्लस बी को भेजा माइनस बी हो गया, और टू को लगा के बट्टा में लगा दिया, हमारा द्विघात समीकरण का सूत्र जो है द्विघात सूत्र तैयार हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं डेरिवेशन आपको समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आइए अब हम लोग जो है सेकेंड मेथड पे आते हैं, जो द्विघात सूत्र जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो उसको हम लोग अप्रूव करने का ड्राइव करने का दूसरा तरीका देखते हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो सेकेंड मेथड पे आते हैं, ठीक है, तो ये मेथड जो आपके एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है, और इसी मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन हल करना भी सिखाया हुआ है, तो आशा करते हैं कि आपको ये भी आसान लगेगा। देखिए इस मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो लिख लेना है। ठीक है, और आपको जो है अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि द्विघात समीकरण को जो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कैसे हल करते हैं, उसमें मैंने जो जो स्टेप्स बताए हैं उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए जो है हम लोग इसको ड्राइव कर लेंगे। तो अगर आपने पिछले वीडियो को सॉल्व देखा होगा तो आपको ये मेथड इजीली समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं भी देखा होगा तो आप जाकर के वीडियो को देखिए, हालांकि यहां पर भी मैं आपको समझाऊंगा समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने आपको पहले स्टेप में क्या बताया था कि आपको अपने द्विघात समीकरण का जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट अगर गुणांक दिख रहा है ना, तो उसको कैंसिल कर देना। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग यही करेंगे, अपने गुणांकों को कैंसिल कर देंगे, तो ए है इसको हमको कैंसिल करना है, तो हम इसमें एक ए से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हम इसमें अगर डिवाइड कर रहे हैं ए से तो सब में करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरे इक्वेशन को ही हम लोग ए से डिवाइड कर देंगे, जब ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर, जब इसको डिवाइड करेंगे ए से तो ये हो जाएगा बी बाई ए एक्स, और ये सी बाई ए हो जाएगा। तो पहले स्टेप में जो है हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से यानी कि ए से सबको पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। दूसरे स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, दूसरे स्टेप में मैंने आपको बताया था कि आप जो है ये आपका बीच वाला जो टर्म है इसको हाफ कर देना है, मतलब दो से डिवाइड करके दो बार लिखना है अलग अलग। ठीक है, आधा आधा समझिए इसको कि आधा आधा करके दो जगह लिख देना है, फिर आखिर पूरा ही हो जाएगा। तो आप इसमें दो से भाग कीजिएगा तो हो जाएगा बी बटा टू ए एक्स, फिर प्लस आपको क्योंकि ये आधा हो चुका है तो हमको उसका मान नहीं बदलना है, तो उसको फिर से लिखना पड़ेगा टू ए एक्स, इसी को इन दोनों को फिर जब जोड़ देंगे तो फिर हमको बी बाई ए एक्स मिल जाएगा। ठीक है, प्लस सी बाई इक्वल्स जीरो, तो यहां तक आ सकते कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, और आगे भी नहीं होगा। देखिए अगले स्टेप में हमको क्या करना है, अगले स्टेप में हमको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर को रखना है, ये जो आपको दिख रहा है ना आपके बी बट्टा टू ए एक्स प्लस बी बट्टा टू ए एक्स, तो आपको करना क्या है यहाँ पे कि जो एक्स के साथ आपको दिखाई पड़ रहा है बी बाई टू ए बाई टू ए, यहाँ पे इस चीज को आपको स्क्वायर करके इसमें जोड़ना है। ठीक है, स्क्वायर करके मैंने इसमें जोड़ दिया, तो जोड़ा अपने मन से तो फिर समीकरण का मान बदल जाएगा, तो मान नहीं बदलने के लिए हमको फिर इसमें से इतना चीज क्या करना है, घटा भी लेना है, हमको b बटा टू का टू ए का जो स्क्वायर उसको घटा देना, तो जितना हमने इसमें जोड़ा उतना घटा लिया, यानी कि हमारा इक्वेशन यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा है, बटा c बाई ए इक्वल जीरो, ये टर्म आपको समझ में आया होगा।
फिर आप यहाँ से यहाँ तक को ब्रैकेट मिलेगा कि देखिए ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपका बी स्क्वायर है, और बीच में जो है टू ए है ना, देखिए यहाँ पे सॉरी टू ए बी है, यहाँ पे ए है आपका और ये आपका बी है, ए है और ये आपका बी है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, जहां पर ए का वैल्यू आपका एक्स है और बी का वैल्यू आपका ये है, तो आप इसको एक्स यानी कि ए और यहाँ पे बी कहेगा आप बी बटा टू ए का ऐसे होल स्क्वायर कर सकते हैं। जब इसको आप एक्सपेंड कीजिएगा तो देखिए आप ए स्क्वायर करिएगा, बी स्क्वायर करिएगा और बीच में टू ए बी आपका आ जाएगा, है ना। तो ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिए। और फिर इसके बाद इस ब्रैकेट के बाहर अब आपको क्या बचा रहा है यहाँ पे, तो माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू, ठीक है। तो यहां तक आपको जो है इजीली समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आगे हमको क्या करना है कि x के लिए सॉल्व करना है, तो इन सब टर्म को जो है धीरे धीरे राइट साइड पर पहुंचाएंगे, जैसे कि हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व करने में किया है। तो x प्लस बी बाई टू ए का दी होल स्क्वायर इस साइड रह जाएगा हमारा, और ये जो टर्म है ये चले जाएंगे इस साइड, यानी कि ये माइनस में है तो जाकर बजेगा बी बाई टू ए का दी होल स्क्वायर, और ये प्लस सी बाई ए है तो आ जाएगा आपका माइनस सी बाई ए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे आपका क्या हो जाएगा, आगे देखिए x प्लस बी बाई टू ए का दी होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर देखिए आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, आप स्क्वायर करना स्क्वायर कर लीजिए, हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बटा टू ए, देखिए टू ए नहीं हुआ, ये होल स्क्वायर है ना आपका, ये टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा और एक का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस सी बाई ए। और आगे बढ़ाएंगे इसको हम लोग, तो इधर लेफ्ट साइड को कुछ नहीं कर रहे, इधर आप बट्टा का जोड़ कर लीजिए, तो फोर ए स्क्वायर और ए का एलसीएम जो है आपका फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर से आप फोर स्क्वायर डिवाइड कीजिए तो आपका वन आएगा, तो वन सुपर मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। फिर आप यहाँ पे माइनस लगाइए और इसे डिवाइड कीजिएगा आप, तो इससे एक यहाँ पे कैंसिल होगा, फोर ए बच जाएगा, जब उसको फोर ए से सी में गुणा करेगा तो आपका आ जाएगा फोर ए सी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना, अब आगे के स्टेप में आपको स्क्वायर जो है इसको भेज देना है राइट साइड में, तो एक्स प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू जो स्क्वायर है आपका आ जाएगा इधर रूट बन करके, ठीक है। और आपको जैसे कि पता है कि जब भी हम लोग रूट लेंगे तो वो प्लस और माइनस दोनों में लेंगे, ठीक है जी। चलिए तो अब आगे यहां पर हम लिखते हैं, आपको मिल गया यहाँ पे एक्स प्लस बी बाई टू ए, या फिर यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, जगह थोड़ा सा कम पड़ने लगा, तो एक्स प्लस बी बाई टू ए इक्वल्स, देखिए यहाँ पे रूट कर लीजिए जिसका हो सकता है कर लीजिए, तो आपको मिल रहा है यहाँ पे कि बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का रूट पॉसिबल नहीं, तो इसको आप रूट में रखिएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी को रूट में रखिएगा, अब बट्टा में जो आपको यहाँ पे मिल रहा है क्या चीज फोर ए स्क्वायर, तो फोर का रूट कितना हो जाएगा आपका टू, और ए स्क्वायर का रूट क्या होगा ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में तो आ गया। अब यहाँ पे एक्स को छोड़ दीजिए, रख दीजिए लेफ्ट साइड में, और बी बाई टू ए को आप राइट साइड में लेकर चले जाइए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस का साइन है, जाकर ये हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा बी बाई टू ए, और प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटा टू। आप सिंपली जो है इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, टू ए टू ए का एलसीएम टू ए ही आ जाएगा, जब एलसीएम टू ए ही रहेगा तो ऊपर का टर्म जो है पद जो है सेम टू सेम रहेगा, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर सी। तो सिंपली ये भी तरीका आपको दिख गया कि कैसे इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो डेरिवेशन जो है दो मैंने आपको दिखा दी, आशा करता हूं मैं आपको ये बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। और दोस्तों इस एक्सरसाइज में सॉरी चैप्टर में चैप्टर फोर में जो है आपको एक या दो डाउट्स होंगे, ठीक है, जो कि आपको मुझसे पूछने चाहिए, आप लोगों ने पूछा नहीं, फिर भी मैं आपको वो डाउट आपको जो है आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा और आपको समझा दूंगा। तो आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए, बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू।